आज हम जानेंगे शिरडी साई बाबा से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। शिरडी महाराष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ शहरों में से एक है। शिरडी की पहचान साई बाबा से है। साई बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 19वीं सदी में लोगों को धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर सोचना सिखाया। शिरडी में साई बाबा का पवित्र मंदिर साई की समाधि के ऊपर बनाया गया है। साई के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इस मंदिर का निर्माण 1922 में किया गया था। साई 16 साल की उम्र में शिरडी आए और चिर समाधि में लीन होने तक यहीं पर रहे। दिन में 5 बार साई आरती होती है। सुबह 4:15 बजे सबसे पहले भूपाली आरती, इसके बाद 4:30 बजे काकड़ आरती, दोपहर 12 बजे मध्यान्ह आरती, सूर्यास्त के समय धूप आरती और रात 10:30 बजे सेज आरती होती है। आज सभी धर्मों के लोग शिरडी में साई बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। शिरडी में गुरुवार का दिन सबसे खास दिन होता है और इस दिन कई सारे भक्त साई बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। शिरडी पूरे साल कभी भी जा सकते हैं, लेकिन धार्मिक स्थल होने के कारण खास मौकों पर काफ़ी भीड़ भरा रहता है, खास तौर पर गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। इसलिए अक्टूबर से मार्च सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इस दौरान यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती। तो ये थी शिरडी के साईं बाबा के विषय में कुछ रोचक जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।